हेलो गाइज, मैं हूं अमित और सबका स्वागत है स्पोर्टशाला में। गाइज, आपने अक्सर सुना होगा कि आईसीसी ने क्रिकेट के लॉज में बदलाव कर दिया, रूल्स जो हैं वो चेंज हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये रूल्स क्या हैं, ये रूल्स कहां लिखे गए हैं, इन्हें कौन बनाता है, कितने रूल्स हैं, कितने लॉज हैं टोटल। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और लॉज को समझना जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, खासकर अगर हम सोच रहे हैं हमारे कैरियर को आगे लेकर जाने की, नेशनल इंटरनेशनल खेलने की। तो यार प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो के लिए जो है दे दीजिए। और टोटल क्रिकेट में जो लॉज हैं वो 42 हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में तो सारे कवर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर हम कवर करेंगे शुरू के 12 लॉज और बाकी जो हैं आने वाले वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और स्पोर्टशाला की एक और वीडियो का मजा लीजिए। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिकेट के जो लॉज हैं वो आईसीसी नहीं बनाता, एमसीसी बनाता है। और जो इनको मॉडिफिकेशन का, मेंटेनेंस का काम है वो भी एमसीसी का ही है। आईसीसी गवर्निंग बॉडी है लेकिन रूल्स बनाने का काम उसका नहीं है। तो जो शुरू के 12 रूल्स हैं जिनकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो रिलेटेड हैं प्लेयर से, टीम से, एम्पायर से और जो क्रिकेट के इक्विपमेंट्स हैं इन सब चीज़ों से। पहले रूल के साथ में शुरुआत करते हैं जो सबसे बेसिक है कि एक टीम के अंदर जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो होने चाहिए 11। एक टीम में 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं इंक्लूडिंग द कैप्टन। क्रिकेट का लॉ नंबर 2 कहता है कि एक मैच में 2 एम्पायर्स यानी कि 2 रेफरीज होने चाहिए। एक होता है मेन एम्पायर, दूसरा होता है लेग एम्पायर। और आजकल जो है ज़्यादातर मैचेस में एक थर्ड एम्पायर जो कि ऑन फील्ड एम्पायर्स को अपनी सजेशन देते रहते हैं उनके जो डिसीजन हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, वो भी अवेलेबल होते हैं। दोस्तों तीसरा रूल है, तीसरा लॉ है स्कोरर का, यानी कि एम्पायर्स के सिग्नल के ऊपर जैसे जैसे रन बन रहे हैं वो जो है अपडेट होने चाहिए और 2 आदमी उसके लिए होने चाहिए अपडेट करने वाले। क्रिकेट के चौथे लॉ के अनुसार जो क्रिकेट बॉल होती है उसकी सरकमफ्रेंस फिक्स की गई है जो कि होनी चाहिए 8.81 इंचेस से लेकर 9 इंचेस के बीच में, जो उसकी सरकमफ्रेंस है, टोटल जो लंबाई है जिसको परिधि बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा जो बॉल का वेट है वो होना चाहिए 156 से लेकर 163 ग्राम। और साथ ही साथ में अगर मैच के दौरान जो बॉल है वो ख़राब हो जाती है तो उसको एम्पायर्स के द्वारा चेंज किया जा सकता है, एक लिमिटेड जो नंबर ऑफ ओवर्स हैं जो फिक्स हैं उसके बाद में। और साथ ही साथ में अगर एक बॉल खो जाती है तो भी जो है नई बॉल लेकर के आई जा सकती है। दोस्तों पांचवा लॉ कहता है क्रिकेट के बैट के साइज के बारे में। एक क्रिकेट का जो बैट है उसके डायमेंशन फिक्स कर दिए गए। बैट की जो चौड़ाई है वो 108 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा बैट की जो मोटाई है, सबसे ज़्यादा मोटाई वो हो सकती है मैक्सिमम 67 mm। इसके अलावा जो एज की मोटाई है वो 40 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी जो है फिक्स कर दिया गया है। साथ ही साथ में जो बैट है वो किस मटेरियल से बनेगा, ये सारी चीज़ें भी जो है लॉज में आती हैं। और क्रिकेट बैट को बनाने के लिए मेनली वुड का ही यूज़ होता है, थोड़ा बहुत जो है अलग से मटेरियल रबर वगैरह का यूज़ होता है हमारे हैंडल वगैरह में। लॉ नंबर 6 जो है वो बेस्ड है क्रिकेट पिच के ऊपर। पिच की लंबाई जो है वो 22 गज होनी चाहिए, 22 यार्ड्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो पिच की चौड़ाई है वो कम से कम 10 फीट होनी चाहिए। तो ये जो है डिफाइंड है और ये जो है एक फिक्स फॉर्मेट है। हालांकि अगर जो टर्फ होती है यानी कि जो मिट्टी वाली पिच होती है वो अवेलेबल नहीं है, एक सिंथेटिक पिच का यूज़ किया गया है, तो उस केस में जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो सकती है, यानी कि लगभग 6 फीट तो फिर भी होनी चाहिए और जो लंबाई है वो 22 गज ही रहेगी। दोस्तों सातवां जो रूल है वो रिलेटेड है क्रीज से, यानी कि जो पिच होती है उसके ऊपर जो लाइनें खींची होती है दोनों स्टंप्स की लाइन में, यानी कि 3 स्टंप जहां गड़े होते हैं तो एक लाइन होती है उसको बोलते हैं बॉलिंग क्रीज, जहां पर बैट्समैन होता है उसको बोलते हैं बैटिंग क्रीज। तो इनके बीच की जो लंबाई है वही पिच की लंबाई होती है जो कि 22 गज होती है, और जो क्रीज है उसकी जो लंबाई है वो भी फिक्स की गई है। दोस्तों जो बॉलिंग क्रीज होती है उसके जस्ट आगे आता है पॉपिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज जो है वो होता है जहां से बॉलर बॉल फेंक सकता है, यानी कि अगर पॉपिंग क्रीज से बाहर बॉलर का पैर निकल गया तो बॉल नो बॉल हो जाएगी, जिसकी लंबाई जो है 1.22 मीटर्स होती है बॉलिंग क्रीज से आगे। तो ये जो है लॉ नंबर 7 के अंदर आता है। लॉ नंबर 8 की अगर बात करें तो यहां पर आता है विकेट्स, यानी कि जो स्टंप्स होते हैं स्टंप्स की जो लंबाई है वो भी डिफाइंड है, जो कि होती है 28 इंचेस, जो लंबाई है जो बेस से लेकर ऊपर तक की लंबाई 28 इंच होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो टोटल चौड़ाई है उनकी वो 9 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा जो बेल्स होती हैं उनको बनाने के भी कुछ रूल्स हैं जो कि डिफाइंड है। और साथ ही साथ में अगर एम्पायर्स को अभी लगता है कि काफ़ी हवा चल रही है, ऐसे कुछ चीज़ हो रही है जिससे बेल जो है वो गिर जाती हैं, तो उनको एम्पायर्स हटा भी सकते हैं मैच के दौरान। गाइज क्रिकेट का लॉ नंबर 9 कहता है कि जब एक बॉल से खेला जाता है तो जो पिच है, जो ग्राउंड है,
इन सब की कंडीशंस बॉल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और ओवरऑल जो है पूरे प्ले को ही, पूरा जो गेम चल रहा है उसको इफेक्ट करती हैं। तो वो चीज़ें जो है कोशिश होनी चाहिए कि दोनों टीम्स के लिए सेम हो, और उसके लिए रूल्स बने हुए हैं कि किस तरीके से मेंटेनेंस होगा पिच का, ग्राउंड का, किस तरीके से जो पिच है उसकी रोलिंग करी जाएगी, कौन से मटेरियल से पिच बनेगी, किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं लॉ नंबर 9 के अकॉर्डिंग। लॉ नंबर 10 कहता है कि जो पिच है अगर उसके ऊपर बारिश आ जाती है या फिर ड्यू हो जाती है तो पिच को कवर करना पड़ेगा, यानी कि जो पिच है उसको ढकना पड़ेगा जिससे कि जो पिच है वो पानी से बची रहे, और साथ ही साथ में जहां से बॉलर जो है भाग करके आते हैं, जो रनअप होता है उसको भी कवर किया जाना चाहिए ताकि बॉलिंग करते टाइम फिसलने वगैरह का डर ना रहे और कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए। क्रिकेट का लॉ नंबर 11 रिलेटेड है इंटरवल से, यानी कि जो बीच में ब्रेक्स होते हैं मैच के दौरान, और ये मेनली होते हैं टेस्ट मैच के दौरान फॉलो। तो भाई जो ब्रेक्स होते हैं वो पहले से ही वैसे तो फिक्स कर लिए जाते हैं मैच से पहले कि इतना ब्रेक होगा, टी टाइम में इतना ब्रेक होगा, लंच में इतना होगा, और अगर इनिंग्स हो जाती है तो इतना ब्रेक होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले से फिक्स होती हैं। हालांकि जो एम्पायर्स हैं वो टाइम के साथ में और कंडीशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब जो है चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक मैच में एक विकेट अगर गिरने से बचा होता है और टी टाइम होने वाला होता है या लंच होने वाला होता है तो कुछ ओवर्स और खिलाए जाते हैं ताकि वो विकेट जो है, जो आखिरी विकेट है वो पहले गिर जाए और बाद में जो है इनिंग्स का टाइम वेस्ट ना हो। लॉ नंबर 12 और इस वीडियो के आखिरी लॉ के अनुसार जो क्रिकेट मैच का कंट्रोल होता है, मैच कब शुरू होगा कब खत्म होगा, ये डिसाइड किया जाता है एम्पायर के द्वारा। एम्पायर जो है वो प्ले शुरू करने का आदेश देते हैं, उसके बाद में खत्म होता है तो भी एम्पायर जो है बता देते हैं कि मैच जो है खत्म करो। और आखिरी जो ओवर्स होते हैं, आखिरी एक घंटा होता है, उसमें भी एक नंबर ऑफ ओवर जो होता है वो डाला ही जाना चाहिए। मैच जो है उसकी वजह से बढ़ाया भी जा सकता है, तो ये सब जो है एम्पायर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे लाइक देखकर ही मैं सोचूंगा कि अगला पार्ट कितना जल्दी डालना है। और अगर आपने हमारे चैनल स्पोर्ट्सशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।